इनकम टैक्स विभाग द्वारा कांग्रेस के फंड के खाते सीज करने को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनावों के समय भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाकर किसी भी कीमत में चुनाव जीतना चाहती है और विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी फंड को सीज करने को षड्यंत्र बताया है। आप जानते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हर प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनाती है। इन्हीं हथकंडों के अनुरूप एक हथकंडा जो हमारा जनता के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है, दान के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसको हम एक जो एआईसीसी का ट्रेजरी है उसमें जमा करवाते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेंबरशिप के फॉर्म पैसे जमा होते हैं, सभी प्रकार के जो हमारे पैसे जमा होते हैं वो हमारे एक बैंक में जमा होते हैं और इनकम टैक्स ने उस पर कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सील कर दिया है, जो कि राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि चुनावों के वक्त इस प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।